हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो आइए हम देखते हैं इनकी परिभाषा। इकरा उद्धरण चिन्ह, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस टाइप से ये कॉमा लगा हुआ है, एक सीधा कॉमा लगा हुआ है और एक ये उल्टा कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सिंगल में यानी एक है, तो ये हुआ हमारा इकहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है। इसकी परिभाषा हम देखते हैं, किसी के उपनाम, कविता, पुस्तक के नाम, उपाधि, अन्य भाषा के शब्द तथा किसी मुख्य शब्द विशेष रूप से दर्शाने के लिए इनका प्रयोग होता है। क्या बोला, दोबारा से देख लीजिए आप, किसी के उपनाम, जैसे हम उपनाम से उसे पुकारते हैं, किसी के उपनाम या कविता, पुस्तक के नाम, उपाधि, अन्य भाषा के शब्द तथा किसी मुख्य शब्द विशेष रूप से दर्शाने के लिए इनका प्रयोग होता है। जैसे यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अब यहाँ देखिए, हम सूर्यकांत त्रिपाठी, उनको हम कहते हैं निराला जी, तो हमने यहाँ लिखा निराला और यहाँ पर हमने इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाया, ठीक है। ऐसे ही हम कविता हो या पुस्तक का नाम हो या अन्य भाषा हो, उसमें भी हम ऐसे लिखकर यहाँ पर इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, मुख्य शब्द को विशेष रूप से दर्शाने के लिए। नेक्स्ट है दोहरा उद्धरण चिन्ह। यहाँ देखिए, ये दो, यहाँ पर हमने सिंगल लगाया था, वन लगाया था, अब यहाँ पर दो है, ठीक है, एक कॉमा, यहाँ पर दो है, ये उल्टा और ये सीधा, जैसे हम कॉमा लगाते हैं इस टाइप से, तो यहाँ पर ये दो है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब देखिए इसकी परिभाषा, ये कहाँ लगाते हैं, किसी व्यक्ति के कथन, कथन यानी बोलना, जिस व्यक्ति ने कुछ बोला, कथन को मूल रूप में दर्शाने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए, मैंने एक उदाहरण लिखा है, माँ बोली, यहाँ हमने लगाया कॉमा, ठीक है, अल्पविराम जिसे कहते हैं, फिर हमने लगाया यहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह, बेटा यह क्या कर डाला, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कथन का जो मूल रूप है उसको दर्शाने के लिए ये हमने यहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया है। तो ये है हमारे उद्धरण चिन्ह के परिभाषा।